पंछी में किसकी फंसी है जान? हनी ट्रैप कांड से क्यों उड़ा सरकार का चैन? जांच के लिए महज 9 दिन में बनी 3 SIT। मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप कांड ने सुबह की सियासत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खलबली मचा रखी है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन खुलासों ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की नींद और चैन उड़ा दिया है। और इसी का असर है कि राज्य में हड़कंप मचाने वाले इस कांड की जांच के लिए बनी SIT में 9 दिन के भीतर तीसरा बड़ा बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में पकड़े गए हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में दाल में कुछ ज्यादा ही काला नजर आ रहा है। इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी SIT के चीफ को कमलनाथ सरकार ने महज 9 दिन में तीसरी बार बदला है। 23 सितंबर को SIT जांच के लिए DGP डी श्रीनिवास वर्मा की अगुवाई में टीम गठित की गई, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही डी श्रीनिवास को SIT से हटा दिया गया। 24 सितंबर को दूसरी SIT बनी, जिसका प्रमुख संजीव शमी को बनाया गया। शमी ने तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन अब उनको भी हटा दिया गया। अब राजेंद्र कुमार को SIT की जिम्मेदारी दी गई। SIT चीफ को बार बार बदलने से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कमलनाथ सरकार अब इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं उन पर भरोसा करें तो इस हनी ट्रैप के रैकेट में मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता और अधिकारी फंसे हुए हैं। हनी ट्रैप सेक्स कांड की महिला किरदारों की जद में सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नेता, नौकर शाह और कारोबारी नहीं आए हैं, बल्कि उनका जाल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा तक फैला हुआ था।